करना। केवल गंगा जी का नाम ले लेने से एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त। पहला पाप है किसी के घर का बिना नाम से कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो तो उस पाप से गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से शब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा किसी स्त्री को किसी नारी को किसी कन्या के प्रति स्त्री के प्रति नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा रजो धर्म धारण करने वाली नारी रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा किसी के यहाँ सूतक या सावर सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावण का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ तुम्हें मालूम नहीं था उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावण का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6वें नंबर का वर्णन आया किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपने अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6वें नंबर का। 7वें नंबर का झाड़ू लगाते समय पुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिलाया जाता है। 8वें नंबर का 8वां जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हो और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुंह छूटा ना कराया तो उस दोष से वंचित हो जाए दोष को समाप्त कर दे तो गंगा दशहरे का 9वें नंबर का बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई सामान ज्यादा आ गया मिक्सर 2 सेट आ गए डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान मांगी थी इसके खाया खूब निपटाया है। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका बहुत करने पर जो पाप आता है 9वें नंबर का करता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है। हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पापों को मुक्त करे। गंगा दशहरे के 10 पाप धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिवजी को जल चढ़ाता है शंकर भगवान कहते हैं भले उस दिन उसमें गंगा जल डालना नहीं डालना पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ा रहा है शिवजी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूँ। आज गंगा